Hey guys, and welcome back. This is Vivek and you're watching my YouTube channel. तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे. कौन सी सीरीज बन रही है? बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वाली. हाँ जी, तो चाहे आप बीकॉम के प्रोग्राम के हो, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स के हो, आपके लिए सीरीज एप्लीकेबल होगी. बस आपका सेमेस्टर जो है वो छठा होना चाहिए, ठीक है? हाँ जी, तो इससे पहले 7 चैप्टर बन चुके हैं, हम कर रहे हैं 8वां चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ठीक है? यानी कि इसके बारे में सीखेंगे हम. किसके बारे में सीखेंगे? हम सीखेंगे ई बैंकिंग के बारे में, ठीक है? जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होती है उसका मतलब क्या होता है और किस तरीके से वो काम करती है. सिंपल था? ठीक. तो शुरू करने से पहले अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट परचेज कर सकते हो. कंप्यूटर टाइपिंग में नोट्स हैं, क्योंकि मेरे को पता है मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है, तो इस वजह से कंप्यूटर टाइपिंग में मिलेंगे, ठीक है ना भाई? हाँ जी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. और क्या होता है, कोशिश करना कि आप व्हाट्सअप करो, कॉल करोगे तो कई बार होता है कि आप बिजी मिलते हो, कई बार हम बिजी मिलते हैं तो दिक्कत ज्यादा होती है. तो आप व्हाट्सअप करो, सबसे बेस्ट रहेगा, हम जल्दी जल्दी से जल्दी रिप्लाई देंगे, ठीक है? हाँ जी, तो जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे करके आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो. तो शुरू करते हैं, वापस आते हैं अपने चैप्टर पे. चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है? कुछ टॉपिक्स हैं जो फिर मैंने छोड़ रखे हैं क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते नहीं है. जैसे क्या होता है डेबिट कार्ड के बारे में, तुम्हें पता है ऑलरेडी डेबिट कार्ड क्या होता है. क्रेडिट कार्ड समझा दूंगा, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, बाकी आप कर लोगे, ठीक है? हाँ जी, तो बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, मैंने 10 क्या होते हैं पूरे चैप्टर को, मतलब पूरे चैप्टर के अंदर बस खाली 10 पॉइंट ऐसे लगे जो इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ. वैसे तो पूरा चैप्टर कवर हो रखा है, लेकिन कुछ 10 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है वो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? शुरू करते हैं. पहला पॉइंट आता है, भैया ये ई बैंकिंग होती क्या है? बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज ए जेनरिक टर्म इंक्लूडिंग इंटरनेट बैंकिंग, टेलीफोन बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग. एक जेनरिक टर्म है ई बैंकिंग, बस एक नाम दे दिया छोटा सा, जिसके अंदर मोबाइल बैंकिंग, टेलीफोन बैंकिंग और SMS बैंकिंग, ये सारी बैंकिंग का क्या है, एक सम है. मतलब कि जहां पे मोबाइल बैंकिंग, टेलीफोन बैंकिंग और क्या बोलते हैं ये इंटरनेट बैंकिंग, तीनों कंबाइंड हो जाती है, उसको बोलते हैं ई बैंकिंग. सिंपल था ना? एक सिस्टम है जहां पे हर तरह की बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग चलती है, तो उसे क्या बोलेंगे, ई बैंकिंग. सिंपल था? आगे चलते हैं. बात आती है दूसरा टॉपिक. दूसरा टॉपिक क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, नाम है ATM. तो आपने कई बार सुना हुआ है ATM होता क्या है. तो ATM का मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऐसी मशीन जो 24 घंटे आपके लिए ट्रांजैक्शंस करती है. सिंपल है ना? हाँ जी, तो बात आती है ये फंक्शंस क्या क्या करती है, क्या क्या काम करती है. तो पहला काम, फास्ट कैश, यानी कि आपको जल्दी से जल्दी कैश निकाल के देती है. अब ये मतलब ये नहीं है कि फास्ट कैश जल्दी से जल्दी कैश निकाल के देती है. अगर आप ATM चलाते हो तो आपको पता होगा उसके अंदर एक ऑप्शन आता है जब भी ATM में जाते हो फास्ट कैश का, कि आप जल्दी से जल्दी पैसा निकाल सकते हो. उसमें कुछ लिमिट होती है, जैसे कि 500 का या फिर 1000 का या फिर 2000 का या फिर सीधा 5000 का. तो अगर आप 4000 रुपए निकालना चाहते हो तो फास्ट कैश के थ्रू नहीं निकलेंगे, वो निकलेंगे नॉर्मल कैश विड्रॉल के थ्रू, ठीक है ना? फास्ट कैश जो ऑप्शन होता है जल्दी कैश निकालने के लिए होता है, कि आप एक फिक्स लिमिट जो बैंकों ने प्रोवाइड करके उस लिमिट पे निकाल सको अमाउंट, ठीक है? हाँ जी, तो ये होता है फास्ट कैश. उसके बाद आता है नॉर्मल कैश विड्रॉल, यानी जो नॉर्मली आप जितना भी पैसा निकालना चाहते हो उसमें हम आपको अमाउंट भरना पड़ेगा और आप नॉर्मली पैसा निकाल सकते हो, ठीक है? इसके बाद ATM आपको और सुविधा प्रोवाइड करता है, क्या चीज, बैलेंस इंक्वायरी का. यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है वो चेक हो जाए तो आप ATM के थ्रू चेक करवा सकते हो. उसके बाद मिनी स्टेटमेंट, मतलब ATM ही आपको मिनी स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकता है. ATM में ऑप्शन ही आता है मिनी स्टेटमेंट का, कि उसमें लास्ट जो 5 से 10 ट्रांजेक्शन होती है वो उस मतलब की जो पर्ची होती है, स्लिप होती है, उस पर लिखी जाती है, आप आराम से चेक कर लोगे. उसके बाद कैश डिपॉजिट, ये ज्यादातर ATM में नहीं है, मगर बहुत सारे ATM ऐसे हैं जहां पे कैश डिपॉजिट की सुविधा होती है. जैसे इंडिया के अंदर, जैसे दिल्ली के अंदर ज्यादातर बहुत एरिया में आपको मिल जाएंगे कैश डिपॉजिट की सुविधा वाले ATM. मैंने नरेला में ही देखा है एक भी ATM को, है ना? एक ATM मैंने देखा था कि क्या बोलते बवाना में लगा हुआ था, एक ATM मैंने देखा था वो आजादपुर में लगा हुआ था, ठीक है? तो मैंने अभी तक 3 ATM देख चुका हूं जिसमें कैश डिपॉजिट की सुविधा भी अवेलेबल होती है, तो आप वहां से चेक कर सकते हो. उसके बाद बात आती है ट्रांसफर ट्रांजेक्शंस. अगर आप चाहते हो आपके अकाउंट से पैसे निकल के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए तो उसकी सुविधा भी ATM में प्रोवाइड की जाती है. आसान है? आई होप आप थर्ड ईयर में आ चुके हो, चलो आपको ATM के बारे में, बैंकिंग ट्रांजेक्शन के बारे में पता होगा इतना सा, ठीक है? बहुत अच्छे. तो ये सब ट्रांजेक्शन ATM वाले प्रोवाइड करते हैं. बहुत सिंपल आसान सा चैप्टर है पूरा. शुरू करते हैं. बात होती है इंटरनेट बैंकिंग. अब ये इंटरनेट बैंकिंग होती क्या भैया, सुनिए. इट इन्वॉल्व्स प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज सच एज एक्सेसिंग अकाउंट्स, फंड्स, ट्रांसफर एंड बाइंग फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन. मतलब एक ऐसी फैसिलिटी जो आपको प्रोवाइड करती है, क्या क्या, एक तो ट्रांजेक्शन्स हेल्प, मतलब एक ऐसी फैसिलिटी जो आपको प्रोवाइड करती है, एक सिस्टम जहां पे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, कोई भी ई पेमेंट्स कर सकते हो या फिर कोई भी क्या बोलते हैं मनी ट्रांसफर कर सकते हो. तो ऐसी सिस्टम, मतलब कि इंटरनेट बैंकिंग है क्या, एक ऐसा सिस्टम है जहां पे ये सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जा सकती है. सिंपल है ना? उसी को बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजेक्शनल
ऑनलाइन बैंकिंग, यानी कि इसको दोबारा से मतलब इसको दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, इसे बोलते हैं ट्रांजेक्शनल बैंकिंग सिस्टम, सिंपल था, या फिर ट्रांजेक्शनल ऑनलाइन बैंकिंग, सिंपल था ना भाई, बहुत अच्छे। तो इसके अंदर क्या था, इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी फैसिलिटी है जो प्रोवाइड करी जाती है बैंकों के द्वारा किसको, आपको, जिसके अंदर क्या क्या किया जाता है, आपके अकाउंट्स हैंडल किए जाते हैं, उसके बाद आपका मनी ट्रांसफरिंग का काम किया जाता है, उसके बाद आपकी बाइंग फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाहते हो तो वो काम किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे ट्रांजैक्शन किए जाते हैं किसमें, इंटरनेट बैंकिंग में। अरे मतलब सुना है ना आपने, अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हो, इंटरनेट बैंकिंग करते हो, तो ये सारी सुविधा आप कर सकते हो, अवेल कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं, साइट्स ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज। साइट्स ऐसी कौन कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करते हैं, ऐसी साइट्स नहीं कि नॉर्मल साइट्स की बात करें, बैंकों की ऐसी कौन सी, मतलब बैंकों की ऐसी साइट्स जो आपको कौन कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो बैंकों में अगर आप बैंकिंग में जाते हो तो इंटरनेट बैंकिंग के नाम पे तीन तरह की आप सर्विस ले सकते हो। पहली सर्विस, वो लोग जिनके पास नोकिया का पुराना वाला फोन है जिसके अंदर एसएमएस वैसएमएस आते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं किए जाते जिससे, तो वो पहली सर्विस ले सकते हैं जिसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन ओनली। जैसे होता नहीं आप बैंकिंग की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है, जैसे होता नहीं स्टार है कुछ नंबर दबाते हैं, उसके बाद पांच दवाई इस नंबर को जान लेंगे, बैलेंस की इंक्वायरी जानने के लिए पांच दवाई, तो आप पांच दबाते हो आपको इंक्वायरी मिल जाती है, ठीक है। हाँ जी, तो वो छोटी मोटी सर्विसेज एसएमएस के थ्रू या फिर मेल के थ्रू आप ले सकते हो, इन्फॉर्मेशन ओनली पहली सर्विस के अंदर। दूसरी सर्विस होती है इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज वाली। साइट्स कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है, तीन सर्विसेज। दूसरी सर्विस क्या है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। जो साइट्स है, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको दूसरी सर्विस भी मिल सकती है, क्या, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की। आप इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हो, जैसे अपना यूपीआई कोड दूसरों को भेज सकते हो, अपना आईएफएससी कोड दूसरों को भेज सकते हो, सिंपल है ना। आज ये वाले ट्रांजेक्शन भी आप कर सकते हो। उसके बाद आता है लास्ट, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब क्या, ऐसे ट्रांजेक्शन जो पहले बैंकों में जाके किया करते थे, वो ट्रांजेक्शन आजकल आप ऑनलाइन कर सकते हो, जैसे किसी को पेमेंट पे करना, किसी मर्चेंट को पेमेंट करना, कोई सामान खरीदना, कोई सर्विसेज के लिए पे करना, किसी की फीस भरना, अपनी गैस सिलेंडर बुक करवाना, मेट्रो कार्ड रिचार्ज करवाना, तो ये सारी चीजें आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी किसके अंदर, ट्रांजेक्शनल के, मतलब क्या बोल रहा हूँ उसके अंदर, ट्रांजेक्शनल क्या बोल रहा हूँ, ट्रेडिशनल क्या ये ट्रांजेक्शनल भाई रुक जाओ, ट्रेडिशनल बोल दिया गया मैंने इसको भाई, ये ट्रांजेक्शनल लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, तो ट्रांजेक्शनल सॉरी हो गया भाई, जवान में आ नहीं रहा वो वर्ड, ट्रांजेक्शनल फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। हाँ जी, तो वो फाइनेंशियल सर्विसेज करवाई जाती है, हो जाती है भाई कई बार दिक्कत, ठीक है, दिमाग में होता है, मुंह में नहीं आता सवाल जवाब। शुरू करते हैं, अगला टॉपिक आता है सक्सेसफुल इंटरनेट बैंकिंग सॉल्यूशंस। सक्सेसफुल इंटरनेट बैंकिंग सॉल्यूशंस, अब इसमें क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे कि ऐसे मतलब अगर आप इंटरनेट बैंकिंग करते हो तो इससे आपको क्या क्या फायदे मिले, इंटरनेट बैंकिंग करते हो तो आप कब कह सकते हो कि कोई बैंकिंग सिस्टम जो है वो अब सक्सेसफुल है। जैसे कुछ होती नहीं है, कुछ बैंक को हम बोलते हैं यार बेकार सिस्टम है, इसमें कुछ नहीं होता, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो पाती, बस ऐसे बना के रख दिया इन्होंने, बैंक वैंक खोल के रख दिया, कोई काम नहीं करता ये बैंक, है ना। ऐसे ही इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम को हम कब बोलेंगे कि वो सक्सेसफुल है और कब बोलेंगे अनसक्सेसफुल है, ठीक है। तो पहला, नो मंथली फी, मतलब पहला जो बैंकिंग सिस्टम है जो उन्होंने बना रखा है ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के लिए, वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री बिल पेमेंट, यानी अगर आप बिल चाहते हो किसी भी ट्रांजेक्शन का तो वो फ्री में आना चाहिए। उसके बाद क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी होनी चाहिए, वो भी लो रेट्स के साथ, यानी कि जो बैंकिंग सिस्टम आप बनाने जा रहे हो उसमें क्रेडिट कार्ड भी आपको इशू होना चाहिए ताकि आराम से आप ट्रांजेक्शन कर पाओ स्मूथली, ठीक है, वो भी लो इंटरेस्ट रेट के साथ। उसके बाद इजी ऐप ऑनलाइन, जैसे कुछ लोग होते हैं ऐप चलाते हैं जिसमें देखते हैं हमारे बैंक में कितना पैसा बचा या फिर ट्रांजेक्शन कितनी है, वो सारी आपके पास एक ऐप फैसिलिटी भी होनी चाहिए ताकि आप कस्टमर को अपने प्रोवाइड कर सको। और उसके बाद 24 आवर सर्विसेज, यानी कि अगर आप इंटरनेट बैंकिंग बना रहे हो तो फिर आपके पास क्या होनी चाहिए, 24 आवर सर्विसेज। अच्छा, अगर एग्जांपल की बात करी जाए तो पेटीएम इसमें बहुत अच्छा है। तो पेटीएम है, ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है जो कि क्या है, नो मंथली फी, उसके अंदर कोई मंथली फी नहीं है। उसके बाद क्या है, फी मतलब फ्री बिल पेमेंट, वो फ्री में बिल पेमेंट की भी रिसिप्ट भी बना के देता है। उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड भी उसने दे रखा है, वो भी लो इंटरेस्ट रेट के साथ, इजी ऑनलाइन ऐप भी दे रखा है आपको, 24 घंटे सर्विस भी प्रोवाइड करता है। तो एक तरीके से मान लिया जाएगा कि पेमेंट जो है वो एक बढ़िया इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम है, सिंपल है। आगे चलते हैं, बात आते हैं एडवांटेज। इस ऐसे बैंकों के क्या एडवांटेज है, दो तरह के बैंक होते हैं, एक होता है ऑफलाइन और दूसरा क्या होता है ऑनलाइन। तो ये जो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है या फिर इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम है, इसके फायदे क्या है, एडवांटेज क्या है। तो पहला, एनीवेयर एनी टाइम, यानी कभी भी और किसी भी जगह रिकवरी होती है, आप क्या बोलते हैं, आप जा सकते हो, ट्रांजेक्शन कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो किसी भी जगह किसी भी टाइम, सिंपल है ना। हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी, बस आपके पास क्या होना चाहिए, एक इंटरनेट, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास फोन में रिचार्ज होना चाहिए ताकि आप एसएमएस भेज के भी पेमेंट कर पाओ, ठीक है। आगे चलते हैं, इजी एक्सेस डाटा। इजी एक्सेस डाटा मतलब आप आराम से अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हो, बार बार लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है आपको, क्या होता है, कोई कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं है, अकाउंट नंबर याद करने की जरूरत नहीं है,
आराम से इजी एक्सेस डाटा हो सकता है आपके लिए। डायरेक्ट कस्टमर कंट्रोल, आप डायरेक्ट कस्टमर कंट्रोल से बात कर सकते हो, जैसे पेटीएम के सर्विस सेंटर वाले होते हैं ना, हाँ जी वैसे। उसके बाद ग्रेटर प्रोसेसिंग स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है वो तेज होती है, काम करने का स्पीड जो होती है वो तेज होती है, आपको बार बार लाइनों में लगना पड़ता क्योंकि वहां पे धीमे होते हैं ऑफलाइन में, है ना, इस वजह से आप ऑनलाइन में आए थे, इसी वजह से आपको क्या मिलती है, ग्रेटर स्पीड मिलती है प्रोसेसिंग की। आगे चलते हैं टेलीफोन बैंकिंग, ये ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम खत्म हो गया, अब आता है टेलीफोन बैंकिंग, कि आप फोन पे भी बैंकिंग कर सकते हो, फोन पे भी बैलेंस चेक कर सकते हो, फोन के थ्रू भी आप कर सकते हो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो एसएमएस वाला, ठीक है। हाँ जी, तो पहला नो इंटरनेट, इसमें क्या फायदा है, पहले आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, आप एसएमएस के थ्रू ट्रांजेक्शन करवा सकते हो। उसके बाद फास्ट कनेक्टिविटी होती है, मिनिमम चार्जेस रखते हैं, थोड़ा बहुत चार्ज लगता है बस खाली एसएमएस का जो भी लगता है, और 24 आवर कनेक्टिविटी रहती है, ये फायदे हैं टेलीफोन बैंकिंग की। आगे चले, उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस एक तरीके से ये मान लो आरबीआई की एक ऐसी सर्विस जिसमें वो चेक क्लियर करने का काम करती है। आपको मैंने बताया था जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी थोड़ी सी तो आपको पता होगा शायद, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरा एक अकाउंट है एसबीआई में, और आप सभी का, जितने भी बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, आप सभी का अकाउंट किसमें है, एचडीएफसी बैंक के अंदर, सिंपल है ठीक। तो आप सबका बैंक अकाउंट एचडीएफसी में, या फिर किसी का एक्सिस में, किसी का पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है। मैंने बोला भाई फीस का टाइम हो गया और खर्चा करना चालू कर दो, मेरी फीस जो है मेरे को दे दो, ठीक है। अच्छा, तो आप सब फीस देने लगे, आपकी जितनी भी पेमेंट थी आपने पेमेंट करने के लिए यूज किया चेक का मेथड, यानी आप चेक काट के दे रहे हो मेरे को, ठीक है। तो अब आपका चेक लेके मैं कहां पे जाऊंगा, एसबीआई में या फिर बाकी बैंकों में। अगर मैं एसबीआई में गया, जो कि मेरा बैंक है एसबीआई, मैं एसबीआई में गया, तो वो कह रहे हैं भैया इधर आना जरा, मैंने बोला हाँ जी बताइए, वो कह रहे हैं ये जो चेक है ये तो आपका एचडीएफसी का है, ठीक है। तो ये जो चेक है आपका किसका है, एचडीएफसी, तो ये यहाँ पे नहीं चलेगा, ये एसबीआई बैंक है, आप जाओ एचडीएफसी में अपना अकाउंट खुलवाओ। यानी मेरे को उस बच्चे की फीस लेने के लिए एचडीएफसी में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उस बच्चे की फीस लेने के लिए एक्सिस बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, तभी तो एक्सिस वाले उसके बैंक से काट के मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे ना पैसे। तो जितने बच्चे नहीं है उससे ज्यादा मेरे पास अकाउंट्स हो जाएंगे अलग अलग बैंकों में, है ना। तो उस टाइम पे आती है आरबीआई, आरबीआई प्रोवाइड करती है आपको कौन सी सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। यानी आरबीआई कहती है कोई भी बैंक किसी भी बैंक के चेक को मना नहीं करेगा, सारे बैंक एक दूसरे का चेक ले लेंगे आराम से, और वो सारे के सारे चेक किसको देंगे, आरबीआई को, और आरबीआई तब उसके बैंक से अकाउंट में पैसे काट के मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, यानी उसके एक्सिस बैंक के अकाउंट से काट के पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। क्यों? क्योंकि आरबीआई है बैंकर्स बैंक, आरबीआई है बैंकों का बैंक, आरबीआई कंट्रोल करता है सारे बैंक को, कोई दिक्कत नहीं ना जी। इसलिए आप देखा होगा चेक क्लियर होने में 2-3 दिन का टाइम लगता है। आगे चलते हैं, और ये सब चालू हुआ 1994 में जब आरबीआई ने कमेटी बिठाई ये सब काम करने के लिए। आगे चलते हैं ईटीएफ। अब ये ईटीएफ क्या होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ईटीएफ है या फिर ईएफटी है, सॉरी भाई ईएफटी है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और ये चालू किया गया था आरबीआई के थ्रू से, यानी आरबीआई ने चालू नहीं किया, आरबीआई ने अनाउंस किया था ईटीएफ को कि ईटीएफ चालू करने, ईएफटी है भाई, ईएफटी चालू करेंगे कब से, 1996 से, ठीक है। आरबीआई ने चालू किया 1996 से ईएफटी, लेकिन इसको चालू करना इतना आसान नहीं था, इसके लिए हम पहले से ही ट्रांजेक्शन कर रहे थे। अब ये ईटीएफ होता क्या है, ईटीएफ मतलब होता है टू रन ट्रांजेक्शन सेफली एंड स्मूथली। यानी जो आप ट्रांजेक्शन करते हो एक बैंक से पैसे निकाल के दूसरे बैंक में जो पैसे ट्रांसफर करते हो, इसको सेफली और स्मूथली चलाने का काम किसका होता है, ईएफटी का होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का होगा। आसान है, ये कमेटी थी जो कि आरबीआई के द्वारा स्थापित की गई है, लेकिन इसका नाम पहले क्या था, आरबीआई क्रिएटेड कमेटी जिसका नाम क्या था, स्विफ्ट। क्या नाम था, स्विफ्ट, जो कि एक कॉर्पोरेट सोसाइटी थी, जो क्या थी, एक कॉर्पोरेट सोसाइटी, जो कि कब बनी थी, मई 1973 के अंदर बनी थी। आसान है, जिसके अंदर कितने बैंक थे, 239 बैंक जिसके अंदर इंक्लूड थे। तो 1973 में कमेटी बनी जिसका नाम था स्विफ्ट, और वो ट्रांजेक्शन करवाती थी ऑनलाइन बिल्कुल सेफली और स्मूथली। आसान है, जिसके अंदर 239 जो बैंक्स थे वो इंक्लूड हो रखे थे, सिंपल था ना, हाँ जी। और इसके बाद हमने देखा स्विफ्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सेफ तरीके से, स्मूथली तरीके से यही करवा पा रही है। तो हमने थोड़ा अपग्रेड किया और हमने बनाया स्विफ्ट 2, और अब इसके अंदर लगभग 3000 से ज्यादा बैंक इंक्लूड है, जिसके अंदर इंडिया के बहुत सारे बैंक जो रहते हैं वो इसका यूज कर रहे हैं। आसान है, ठीक है, जिससे ट्रांजेक्शन फास्ट होता है, स्मूथ होता है, बहुत अच्छे तरीके से होता है, ठीक है। बात आते हैं एडवांटेज, यानी कि ईएफटी के एडवांटेज क्या है, गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने ये जो ईएफटी अनाउंस किया था कमेटी, इसके फायदे क्या हुए। पहला, इजी ट्रांसफर, पेमेंट ट्रांसफर करना बहुत इजी हो गया, क्योंकि बनाया किसने किया था, स्मूथली और पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए इजी तरीके से। दूसरा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बस ये दो फायदे हैं किसके, ईएफटी के, कि सिक्योरिटी देता है और क्या करता है, पेमेंट ट्रांसफर करवाता है बहुत जल्दी, ईएफटी, सिंपल है। आगे चलते हैं, अब बात आती है क्रेडिट कार्ड्स। अब ये क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं, कुछ नहीं होते, बस एक कार्ड होते हैं, यानी कि प्लास्टिक कार्ड होता है, एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी मर्चेंट से पेमेंट ले सकते हो, पेमेंट दे सकते हो,
सिंपल है, और कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, तो उन सबकी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? क्रेडिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड का ही, क्रेडिट कार्ड में एक फैसिलिटी और होती है जिसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, यानी जितने आपके बैंक में पैसे हैं आप उससे ज्यादा पैसे निकाल सकते हो। हाँ, वो लोन की तरह होगा, बाद में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि आपका खून चूस लिया जाएगा उस इंटरेस्ट के तौर पे, मगर आप पैसे निकाल सकते हो अगर आपको जरूरत पड़े तो, ठीक है। हाँ जी, इसी के साथ एक होता है डेबिट कार्ड, जिसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जा सकती, बस वो भी प्लास्टिक कार्ड होता है, ट्रांजेक्शन करने में काम आता है। और डेबिट कार्ड ज्यादातर एटीएम्स में यूज किया जाता है, और बाकी ये जो क्रेडिट कार्ड है वो हर जगह ट्रांजेक्शन करने के लिए एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। वैसे तो डेबिट कार्ड भी आजकल यूज हो रहे हैं हर जगह ट्रांजेक्शन करने के लिए। शुरू करते हैं प्रोसेस ऑफ क्रेडिट कार्ड बिजनेस साइकिल, यानी प्रोसेस ऑफ, मतलब क्रेडिट कार्ड जो है वो किस तरीके से काम करता है उसकी प्रोसेस सीखते हैं। सबसे पहले अगर आप कोई सामान खरीदना चाहते हो, कोई पेमेंट करना चाहते हो, जैसे मैं एसी लेने जा रहा हूँ तो एसी की मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मेरे को गुड्स और सर्विसेज खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रिटेल जो उसके बदले में मैं पेमेंट करूंगा और बोलूंगा लो जी क्रेडिट कार्ड से मेरे ट्रांजेक्शन कर लो, पेमेंट कर लो, ठीक है। अच्छा, तो रिटेल क्या करेगा? रिटेलर वेरीफाइज द नंबर, रिटेलर जो है क्रेडिट कार्ड का नंबर वेरीफाई करेगा कि ये जेन्युइन कार्ड है या फिर फेक कार्ड है, ठीक है। उसके बाद कार्ड होल्डर प्रोसेस साइन, यानी कि अगर वो कार्ड सही है उसके बाद वो पर्ची निकालेगा, मतलब डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसको बोलेंगे मेमो, और उस पे जो कार्ड होल्डर है, जैसे कि मैं हूं जिसने एसी खरीदा था, मैं उस पे साइन करूंगा, हाँ जी मैं इसको इतनी पेमेंट करने की इजाजत दे रहा हूं। और फिर वो रिटेलर क्या करेगा? उस पर्चे को लेकर जाएगा किसके पास? वो पर्चे को लेकर जाएगा अपने बैंक के पास, यानी कि रिटेलर हैज टू प्रेजेंट वाउचर टू द बैंक, यानी कि रिटेलर को प्रेजेंट करना पड़ेगा वो वाउचर किसको? बैंक को, सिंपल है ना। हाँ जी, जिसके लिए बैंक जो होंगे वो थोड़ी सी चार्जेस काटेगा। उसके बाद बैंक पे द रिटेलर, यानी कि उसके बाद बैंक हमारे क्रेडिट कार्ड से हमने पेमेंट करेगा ना, हाँ जी, तो उस ट्रांजेक्शन के बदले वो मेरे अकाउंट से पैसे काट के रिटेलर को दे देगा, ठीक है। और उसके बाद बैंक जो एक स्टेटमेंट मेरे को भेजेगा कि आपके अकाउंट से इतने रुपए कट चुके हैं, यानी बैंक सेंड बिल टू द कार्ड होल्डर, यानी जो बैंक है वो बिल हमको भेज देगा कार्ड होल्डर को, सिंपल था ना, क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसे नहीं थे तो बैंक ने पैसे दे दिए उसको, और क्या बोलते हैं बिल हमको भेज दिया कि आपको इतने रुपए बाद में चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नोवा पॉइंट, ठीक है। बात आती है बेनिफिट ऑफ क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या है। पहला फायदा ओवरड्राफ्ट, पैसा जितना नहीं है बैंक से उससे ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा फायदा ईजी एक्सेसिबिलिटी, यानी हर ट्रांजेक्शन में, हर यूपीआई ट्रांजेक्शन में कोई सा भी अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो क्रेडिट कार्ड हर जगह अवेलेबल हो दिया जाता है, मतलब क्रेडिट कार्ड हर जगह चलता है, ठीक है। तीसरा ट्रांजेक्शन, कैश की वेस्टेज नहीं होती, पेज मतलब जो पेपर मनी है उसकी वेस्टेज नहीं होती है, आराम से प्लास्टिक कार्ड है, एक ही कार्ड को आप लाखों बार ट्रांजेक्शन करने के लिए यूज कर सकते हो, बहुत बड़े अमाउंट का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चौथा इजी टू यूज होता है, पांचवा ट्रांसफर करने में आसानी होती है, छठा क्या होता है फास्ट प्रोसेसिंग होती है, जल्दी से जल्दी प्रोसेसिंग हो जाता है, सातवां सेफ्टी रहती है, आठवां और क्या फायदा होता है, और क्या फायदा होता है, सिक्योरिटी रहती है, सिक्योरिटी सेफ्टी एक ही बात है सारी। तो मतलब ये सब आप फायदे लिख सकते हैं जो भी आपको पता है क्रेडिट कार्ड के। आगे चलते हैं रिस्क ऑफ ई बैंकिंग, ई बैंकिंग के रिस्क क्या है, यानी आपने ये सारा पढ़ लिया, ठीक है। अगर आप ई बैंकिंग करते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, तो इससे रिस्क क्या होते हैं, दिक्कतें क्या होती हैं, वो पढ़ते हैं। तो पहला ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने में रिस्क आता है, यानी कि अगर आप ऑफलाइन करते हो तो आपके पास सबूत होता है, पर्ची वर्ची होती है, लेकिन जो बैंक वाले की बात कर रहा हूँ, अगर आप ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन लेते हो तो फिर आप पर्ची से फार्म वार्म भरवाते हो, आप चेक करते हो कि पेमेंट जो हो रही है वो सही बंदे को हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है, या फिर जो पैसे जमा करने वाला है वो सही बंदा है नहीं हो। लेकिन वहीं पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के केस में ऐसा कोई वेरिफिकेशन नहीं कर सकते कि जो इसको पेमेंट करी जा रही है वो सही हो रही है या फिर गलत हो रही है, तो अगर किसी को गलत पेमेंट कर दी तो हो गई वो, समझ में। हाँ जी, क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क मतलब कई बार क्या होता है लोग ओवरड्राफ्ट के चक्कर में पैसे लेते हैं और भग जाते हैं, लेके कहते हैं चुकाना ही नहीं है, क्योंकि क्या होते हैं एक तरीके से भग जाते हैं तो बैंक की ना वो बन जाती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक के लिए बहुत दिक्कत वाली बात होती है, तो क्रेडिट रिस्क बना रहता है। लिक्विडिटी रिस्क, देखो अगर बैंक पहले ऑफलाइन वाले थे तो फिर लोगों को बार बार बैंकों में जाना पड़ता था किसी भी पैसे कैश की जरूरत के लिए, तो बैंकों को पता था भाई जल्दी से लोग आएंगे नहीं क्योंकि उन्हें लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा, है ना भाई, तो इसलिए बहुत कम कैश ट्रांजेक्शन कर रखने पड़ते, मतलब बहुत कम कैश रखना पड़ता था बैंक को अपने पास। लेकिन जैसे ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आया ना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बाद बैंक वालों को पता है कि अब ये लोग ट्रांजेक्शन ना बहुत ज्यादा करने लग गए हैं, छोटी छोटी चीजें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो इसलिए बैंक को लिक्विडिटी बहुत ज्यादा रखनी पड़ रही है अपने पास, ठीक है, जिससे रिस्क बढ़ जाता है बैंक का, मतलब पैसे अपने पास बहुत ज्यादा रखने पड़ते हैं बैंक को। उसके बाद फॉरन एक्सपेंस रिंग, मतलब उसको क्या बोलो, फॉरन एक्सपेंस
रिस्क, ठीक है। मतलब क्या है, आजकल आपने देखा होगा टूरिज्म बहुत ज्यादा फैल रहा है, ब्लॉगर बहुत सारे फैल रहे हैं, तो इस वजह से इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदेशों में जाते हैं और वहां पे चलते हैं, खर्चे करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इस वजह से हमारा पैसा जो है विदेशों में जा रहा है, यानी हमारी तरफ से जो डॉलर है उनमें खर्चा हो रहा है, तो जिससे हमारा रिस्क बढ़ रहा है। उसके बाद सिक्योरिटी रिस्क, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में पता नहीं कौन अपने पिन छुपा के रख पा रहा है, कौन नहीं रख पा रहा, तो सेफ्टी का इशू रहता ही है, ठीक है। उसके बाद लीगल रिस्क, लीगल रिस्क भी होता है भाई, क्योंकि जो पहले क्या था, ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजेक्शन में हाथ से लिखी होती थी पर्चियां, तो दिक्कत ज्यादा नहीं होती थी। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में ये हो गया कि हर जो पर्ची है या फिर जो स्लिप है, बिल जो है वो पेमेंट उसके फॉर्मेट में आता है। किसके फॉर्मेट में, मतलब एक सबूत के फॉर्मेट में आता है, उसको कहीं पर भी प्रेजेंट कर सकते हैं, तो लीगल रिस्क हर बार बना रहता है, क्योंकि उसमें कोई झूठ छुपाया नहीं जा सकता है ना। इस वजह से मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क, और इससे सबसे बड़ा जो रिस्क है वो यही है, मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में ट्रांसफर करना, ठीक है ना, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क बहुत ज्यादा बना रहता है भाई। वीडियो पहले से बड़ी हो चुकी है, बैटरी बहुत कम है, और आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है टाइम पे, तो ज्यादा समझा नहीं पाऊंगा, फिर किसी वीडियो में कोशिश करूंगा मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में समझाने में, बहुत बड़ा टॉपिक है। आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में समझाना, मैं करूंगा तो कॉपीराइट लगा देंगे या फिर कोई दिक्कत लगा देंगे यूट्यूब वाले, मेरे को लगता है। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा चैप्टर, होप आपको अच्छी लगी हुई वीडियो। वीडियो बहुत जल्दी आएगी सर, बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद के एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, तो इस वजह से तैयारी भी चल रही है, और 12वीं का भी रिजल्ट भी आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। हमारे यहाँ से बच्चे बहुत सारे निकले जो 90% लेके निकले, ठीक है, मतलब 90% से ऊपर लेके निकले, मजा आ गया देख के रिजल्ट, बच्चों ने पार्टी भी दे दी, मजा आ गया। होप आपको दिखा पाता मैं फोटो वोटो, है ना, तो अभी मेरा उतना इंटरेस्ट होता नहीं फोटो वोटो खींच के इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे डालने में, तो मैं थोड़ा वैसा बनता हूँ कि भाई हाँ अपनी प्राइवेसी अपने पास ही रखता हूँ, ठीक है। बाकी मन किया तो डाल देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना, और अगर आपने पहले कर रखा है सब्सक्राइब तो भाई सच बता रहा हूँ, सच में दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, घुटनों से, उंगलियों से, मतलब उंगलियों की उंगली, छोटी उंगली के नाखून से भी आपको थैंक यू है, समझ रहे हो, हाँ जी, इतना ज्यादा प्यार है आपको। और अगर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, आराम तो कर दिया बाद में, कौन सी आफत आ रही है, हम भी यहीं पे, आप भी यहीं हो, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, है ना। बस मेरा चैनल है विवेक मिश्र इकोनॉमिक्स, जिसको सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और टाटा बाय बाय। अच्छा भाई, जिसको नोट करना है नोट कर लिया, और बढ़िया क्वालिटी में देखना, क्योंकि मेरे को पता है इसकी जो क्वालिटी वो है ना, थोड़ी सी छोटे छोटे वर्ड लिखे मैंने ताकि आपका कोर्स पूरा हो जाए, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा एक क्या बोलते हैं लिंक, जिसके थ्रू आप आराम से बढ़िया क्वालिटी की फोटो देख सकते हो, ठीक है। बस तो आज के लिए बस नहीं, बाय बाय।